ओके आज हमने क्या पढ़ आज कल हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हमने सिटीजनशिप पढ़ ली थी, ठीक है, वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप। सबको आवाज आ रही है ना? आर यू श्योर सबको आवाज आ रही है हाँ ना? सर। तो हमने वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप पढ़ लिया था, फोर वेज, जिसके बारे में आज क्विज भी पूछा था। आज अभी मुझे वो नहीं दिख रहे हैं, आज जो जिन्होंने 100% स्कोर किया है, आपके अनुपम, ठीक है, अनुपम ने 100% स्कोर किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। आपका एक क्वेश्चन गलत था प्रियांशु, और बाकी सब लोगों का भी ठीक था क्विज, आज का अच्छा था क्विज, ठीक है। और आप बस ज्वेता ने नहीं दिया आई गेस क्विज अभी तक, बाकी सबने दे दिया है, और सूर्यकांति ने दे दिया, बढ़िया सूर्यकांति, प्रियांशु बढ़िया, निकिता भी बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार देख लेना, और क्रॉस चेक कल, इसमें आंसर्स भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इशू के कारण शायद उसमें आंसर्स दिखाता नहीं आपको, करेक्ट आंसर क्या है एक बार दिखा देना, ठीक है। तो बाय बर्थ हमने देखा, बाय डिसेंट हमने देखा, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन हमने देखा। बाय बर्थ में हमने बात की थी अगर इंडियन सॉइल में कोई बच्चा होता है, ठीक है। हमने डिसेंट में बात की थी कि अगर फॉरेन की सॉइल में, फॉरेन सॉइल में कोई बेबी बॉर्न होता है। रजिस्ट्रेशन की जो बात की थी हमने कि जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि अगर कोई भी ओसीआई सिटीजन है 5 years+1, मतलब कोई भी अब वापस आना चाहता वाले हिसाब था, ठीक है, ओसीआई के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और भाई नेचुरलाइजेशन जो हमने बात की थी कल, किसकी, मार्क की बात की थी, ठीक है, मार्क द बिहारी, ठीक है, मार्क कुमार उसका नाम हो चुका है, ठीक है। तो उनको बिहार में बहुत अच्छा लगता है, और नेचुरलाइज होके वो बिहारी बन चुके हैं और इंडियन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये फोर वेज थे एक्वायरिंग सिटीजनशिप के, जिसके बाद हमने देखा लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती। तो तीन तरीके थे, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन, ठीक है। रिनंसिएशन और टर्मिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में ही आप फॉरेन जाते हो, ठीक है, दोनों में ही आप फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेते हो, बट रिनंसिएशन में आप वॉलेंट्री उस सिटीजनशिप को छोड़ते हो, और टर्मिनेशन में आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डेप्रिवेशन में तीन तरीके थे, आप एक्वायर कर लेते हो, आपने एक्वायर की सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय फ्रॉड, या फिर आपको जेल हो गई, ठीक है, 2 साल से ज्यादा आफ्टर एक्वायरिंग सिटीजनशिप, किसी भी 4 तरीकों से आपने सिटीजनशिप एक्वायर किया, आपको 2 साल की जेल हो गई, ठीक है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन द अदर कंट्री फॉर 7 years, अगर 7 साल तक कोई कोई पर्सन रिसाइड करता है किसी और कंट्री में, तो आपको डेप्रिवेशन से आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। फिर हमने ये बात कर लिया था फंडामेंटल राइट्स बिलोंगिंग टू सिटीजंस एंड ऑल। अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने थोड़ी बहुत बातें तो कर ली थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या देखा था, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें, तो हमने एक वर्ड यूज किया था, वो था मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। हमने देखा था कि यूएसए में मैग्ना कार्टा सबसे पहली बार आया था, ठीक है, 1213 के आसपास किंग जॉन ने आपको मैग्ना कार्टा दिया था, ठीक है, उनके सिटीजन्स को। उसके बाद हमने देखा था कि इसको कॉर्नर स्टोन भी कहा जाता है, कॉर्नर स्टोन भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। हमने देखा था जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट दिया जाता है सबसे पहले, तो हमको दिया जाता है अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, हमने स्टेट के अगेंस्ट देखा था। और ये भी चर्चा की थी कि जो स्टेट है वो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, जो कि इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल है ऑफ द पार्ट 3, ठीक है, और इसके हिसाब से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, ठीक है। अब गारंटी कौन देता है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स मिलेगी, मैंने बताया था कल गारंटी और वारंटी वाली बात, तो गारंटी देता कौन है आखिर फंडामेंटल राइट्स मिलेगी, तो गारंटी देता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और उस गारंटी को मेंटेन करने का जिम्मा जो है वो कोर्ट्स के पास है, ठीक है, कोर्ट्स इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। गारंटी इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मगर उसको इन्फोर्स कौन करता है, उसको इन्फोर्स करते हैं कोर्ट्स, ठीक है। क्लियरली हमने ये सब चीजें देखी थी। उसके बाद अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स जो इसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 12 to 35, ठीक है, आज से शुरू है। हम पहले फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि टोटल 6 हैं, उनको पढ़ते हैं सबसे पहले।
और आर्टिकल 12 to 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मगर दो तीन ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द पार्ट 3 भी दिए हुए हैं। तो ऐसे तीन अगर बात करूं तो सबसे पहले 300A, 300A, ठीक है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 के अलावा कहीं और दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूं, 12 से 35 के अलावा कहीं और दिए हुए। तो ये जो 300A है, दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी जो थी हमारी फंडामेंटल राइट्स थी इनिशियली, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थी वो लगभग मेरे ख्याल से आर्टिकल 31 में दी हुई थी पहले, ठीक है, आर्टिकल 31 में दी हुई थी और 19 के जी या एफ में दी हुई थी। ठीक है, अभी देखेंगे, ठीक है, 19 के जी या एफ में दी हुई थी, ये दो जगह हमको राइट टू प्रॉपर्टी दी हुई थी। बट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका एक्ट आया, उसने राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 31 में दी हुई थी और 19 जी और एफ में दी हुई थी उसको हटा दिया। ठीक है, उसको हटाया और उसको बाद में रखा 300A में, उसको उसी समय पे मतलब यहां से हटा के 300A में रखा। अब क्या होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपकी फंडामेंटल राइट है, और जहां भी देना होता है फंडामेंटल राइट की बात करता है तो वो पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3 से हटा दिया हमने तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सेप्शन आ गए और कुछ ना कुछ बदलाव करके आर्टिकल 300A में रखा गया फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वापस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद 301 आता है। ठीक है, 301 जो है आपका, 301, ठीक है, दिस इज राइट, कोई खास ऐसा वो नहीं है, फ्रीडम टू कॉमर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, एंड ट्रेड, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड दिया हुआ है 301 में। ठीक है, 301 के बाद 301, और फिर आपको 326 तो पता ही है, अब सबको याद हो गया होगा, बार बार पढ़ने के कारण जैसा होता है, 326 याद है ना, तो राइट टू जो, वोट, हाँ हाँ राइट टू, ठीक वोट है। अब मैं क्या करूंगा ना, नाम लेके पूछा करूंगा, ठीक है, मेरे को जवाब जो है दो तीन लोगों का ही मिल रहा है, मैं अब नाम लेके पूछूंगा कि आंसर कौन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाम लेके पूछूंगा, तैयार रहना। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपार्ट फ्रॉम आपके पार्ट 3 विच इज आर्टिकल 12 to 35, इनके अलावा दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स, अगर बच्चे हो तो उनको क्लियर कर ले, फिर एक स्टोरी से शुरू करते हैं, छोटी सी स्टोरी है जो मेरे को आपको सुनानी है, एक इंजीनियर लड़की की स्टोरी है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, वहां से शुरू करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज पार्ट 3 में वी डिस्कस्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिल्कुल मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखी है, फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल को मिलती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को मिलती है इसलिए इसको इंडिविजुअल राइट्स भी कह सकते हैं, एंड दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट और बाय द कोर्ट्स। ठीक है, एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट बाय द कोर्ट्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई, एक पर्टिकुलर, सर कुछ काम है, आप बताओ, सूर्यकांति बताएं, क्लास नहीं कर सकती, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग है सूर्यकांति, डोंट वरी, ठीक है, ओके रिकॉर्डिंग है, मैं क्लास शाम को डाल दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, जब आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके वेलकम सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल राइट्स हैं ये, ठीक है, अब आर्टिकल दैट कैन बी इन्फोर्स अगेन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑल्सो। अब देखो कुछ पूरे पूरे फंडामेंटल राइट्स में ना हम एक्सेप्शन की बात बहुत करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की बात करेंगे कि यार हर एक चीज का एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वैसे ही एक्सेप्शन है कि हमने बताया कि स्टेट के अगेंस्ट जो है फंडामेंटल राइट्स इम्पोज की जाती है, मगर ये फंडामेंटल राइट्स आपके कुछ ऐसी हैं जो जिनको इंडिविजुअल का अगेंस्ट भी इम्पोज किया जाता है। ठीक है,
तो जैसे आर्टिकल 15(2) जिसको नो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम नो डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 जो है जिसको हम अनटचेबिलिटी जानते हैं, आर्टिकल 18 हम देखेंगे, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, आर्टिकल 23 देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की बात करेंगे हम, और आर्टिकल 24 की बात करेंगे, सॉरी आर्टिकल 23 में ट्रैफिकिंग है, हाँ ट्रैफिकिंग है, ठीक है, आर्टिकल 23 में ट्रैफिकिंग और आर्टिकल 24 में चिल्ड्रंस वाली बात की है कि चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और अबव द एज ऑफ 14 ईयर्स आपके कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डियस प्लेसेस, ठीक है, ओके okay. तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी लायबल है, ठीक है, मतलब वैलिड है, मतलब कि अगर इनका इन राइट्स का हनन कोई नॉर्मल व्यक्ति भी करता है, ठीक है, नॉर्मल एक आदमी भी करता है तो भी उसको मतलब वो फंडामेंटल राइट्स का हनन माना जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आगे चल के, बट ये आप यहीं पे याद कर लीजिए, जब रिविजन करते हैं ना तो ये सब पहले मिल जाता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, अब आता है सवाल, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स देख लो मैं, हाँ तो निकिता व्हाट डज एब्सोल्यूट मीन, कोई आइडिया आपको अगर नहीं भी है तो भी बता सकते हैं, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, नहीं, अच्छा चलो कोई और बताओ, प्रियांशु सर एब्सोल्यूट इन द सेंस एग्जैक्ट कंप्लीट जैसे सबके लिए फिक्स नहीं है, इट्स मतलब कंप्लीट ही हो गया, वैसे फुल जैसे बोलते हैं, फुल एंड कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि पूरी पावर किसी एक के हाथ में होना, इट इज लाइक एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसको कंप्लीट बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है कंप्लीट, ठीक है, नो डाउट, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, अब कंप्लीट नहीं होने का मतलब रेफरेंस टू समथिंग स्पीक, ओके ओके श्योर श्योर श्योर, ठीक है निकिता कोई बात नहीं, ठीक है, रेफरेंस टू समथिंग, नहीं नहीं एब्सोल्यूट मतलब रेफरेंस टू समथिंग नहीं, ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट का मतलब है टोटली होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, अब मैंने आपको मान लो राइट दे दी राइट टू स्पीच, या मैंने आपको दे दिया राइट राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि आप अपनी मन से चाहो तो कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी बिजनेस डाल सकते हो, ठीक है, आपने बोला कि मुझे ISIS में भर्ती होना है, मुझे आतंकवादी बनना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी ये तो थोड़ी कोई बात हुई, तो एब्सोल्यूट ना होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अगर आपको राइट मिली तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि आपका जो आपकी फ्रीडम है वहां पे आपके अगर आप हाथ घुमाते हो आपकी फ्रीडम वहां पे खत्म हो जाती है जहां से दूसरा आदमी आ जाता है, ठीक है, कहने का मतलब कि जो राइट्स आपको दिए जाते हैं उसका आप मिस यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, राइट टू स्पीक है, ठीक है, राइट टू स्पीक है या स्पीच है, तो आप किसी को गालियां नहीं दे सकते फॉर एग्जाम्पल, या किसी को बैड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट, ठीक है, इस टाइप की चीज है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम लिबर्टी, आप घूमने की आजादी है आपको, तो आप चले गए पीएम के आवास, आप बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगल में, बोले मुझे तो घूमने की आजादी है, मैं तो जा सकता हूँ कहीं भी, ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो पूरे पूरे पॉलिटी में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये वाली बात होती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो जो राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन लाइक ST and SC, जब राइट टू इक्वालिटी की बात आई तो आप देखोगे कि ST and SC के लिए कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कहोगे तो राइट टू इक्वालिटी कैसे हुई जब किसी को अलग से प्रोविजन दिया हुआ है, अगर आप रिजर्वेशन की बात करो कि आप कहे राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट है और आपको ST SC को आरक्षण है तो इक्वल कैसे हुआ, यही चीज, तो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ
आपकी मतलब कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एड ऑन्स किए जा सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? एसटीज के लिए, एससीज के लिए। कर्नाटका इज फुल ऑफ एसटी एंड एससी। ओके, हाँ, कर्नाटका इज फुल ऑफ एसटी एससी। अगर एसटी की सीट्स की बात करें तो उसमें एमपी सबसे पहले नंबर पे है वैसे, ठीक है। 70/ मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपने कुछ और लिखा, एक बार और लिखिएगा निकिता। तो यहाँ पे जो अलग से प्रोविजंस, मतलब अलग से जो एक्सेप्शन कह लीजिए, वो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं ओबीसी के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जनरल पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए। मैंने कहा ना, राइट टू स्पीच वाली जो बात की, या राइट टू फ्रीडम वाली बात की, अगर धारा 144 लगी है, धारा मतलब क्या बोलते हैं, सेक्शन 144 ना, ठीक है, तो वो लगी हुई है, 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है इन टोटल, तो आप बोलोगे नहीं मुझे घूमने की आजादी है, नहीं मुझे तो ग्रुप बनाने की आजादी है, तो नहीं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। मोरालिटी वाली बात होगी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मोरली सही नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो मोरालिटी इज अ आपका एक्सेप्शन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑफ मोरालिटी। सोवेरेनिटी बनाए रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनाए रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाए रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन। तो ये ओवरऑल अभी बता रहा हूँ, अब जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल में एक्सेप्शन है, ठीक है, हर आर्टिकल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जिसको आपको हर सबका याद ही रखना है, मगर कुछ का याद रखना है, ठीक है। जैसे हम राइट टाइटल्स वाली बात जो हम कर रहे थे, ठीक है, कि टाइटल्स मिले हुए हैं तो उसमें एक्सेप्शंस या रिस्ट्रिक्शंस ऐसा देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अब इनमें से दो आर्टिकल जो जरा से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो है आपके आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। उसका रीजन ये है कि आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी वाली बात करता है, कि अनटचेबिलिटी इज टोटली प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 24 बात करता है, आर्टिकल 24 बात करता है कि आपके चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये जो दो आर्टिकल्स है ना, ये एब्सोल्यूट है, ये जो दो आर्टिकल्स है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, जो स्पेशल है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मैटर है, बहुत ज्यादा मैटर ऐसा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको पता है एसटीएससी एक्ट के बारे में, अगर थोड़ा सा भी आपने कभी एसटीएससी एक्ट को पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको पता है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें एक प्रोविजन था कि अगर आपने कोई बयान दिया, ठीक है, आपने किसी एसटीएससी के कम्युनिटी के पर्सन के खिलाफ एक बयान दिया और उसके कारण उसको 8 साल की सजा हुई, और बाद में जो आपने बयान दिया है वो प्रूव हो गया गलत, तो आपको भी 8 साल की सजा होगी, इतना स्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसको उम्र कैद हो गई, अगर उसको लाइफ सेंटेंस हो गई और बाद में पता चला कि आपका बयान गलत था, तो आपको फांसी दी जाएगी, इतने स्ट्रिक्ट है। मतलब बिना आपको मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी इस टाइप के, ताकि अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके इंडिया से, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल उसमें अमेंडमेंट वाली बात भी चल रही थी कि अगर आपको अनबेलेबल वारंट निकालना है तो आपको एक सुपीरियर अथॉरिटी जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या डीएसपी के रैंक का कोई व्यक्ति हो, वो परमिशन देगा तभी, बट उसको फाइनली खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसको थोड़ा ढील देने की बात चल रही है क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। वैसे ही आर्टिकल 24 की जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत प्रिसीजन चाहिए, बहुत माइक्रो, जैसे बच्चों के हाथ पतले होते हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है जिनमें बच्चों को यूज किया जाता है, ठीक है, इसका कुछ अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा मेरे को, एक एग्जांपल याद है जो चूड़ी बैंगल्स, ठीक है, चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें यूज मतलब बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, चूड़ी बनाने प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बच्चों के हाथ पतले होते हैं, उसका यूज करते हैं, मतलब उसका क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स में यूज करते हैं और भी कई जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो आर्टिकल्स थे इनको आप एब्सोल्यूट कह सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना है, आगे जब पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ये तो बता ही दिया मेरे ख्याल से आउटसाइड पार्ट 3 जो 3 राइट्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 301 कौन से अमेंडमेंट से,
कौन बताएगा, रुक जाओ कोई नहीं बताना। निकिता बताओ कौन से अमेंडमेंट से 301 जोड़ा गया है। निकिता आप मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और 326 राइट टू वोट, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम पार्ट थ्री दिए हुए, ठीक है। अब देखो आंसर का वेट करो निकिता ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी जो बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं मैंने बताया। अब एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, जल्द सुनना आप ध्यान से, ठीक है। एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो सर वंस अगेन क्या पूछा सर आपने, मैंने कहा जो आर्टिकल 300A है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था क्योंकि कैपिटल ए लगा है, ठीक है। जो है राइट टू प्रॉपर्टी, आरटीपी कह लो, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, कुछ देर पहले बताया है मैंने आपको, ये बताना है, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो एक ऐसे बच्चे की है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये स्टोरी मेरी बनाई हुई है, ठीक है। तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप लोग मतलब वो बच्चा है जो, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। आप लोग की भी स्टोरी कह सकते हो यार, आप लोग अपनी भी स्टोरी कह सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लग जाते हो काफी पहले से। फॉर एग्जांपल आप लग गए काफी 8th क्लास से आप चालू कर सकते हो क्योंकि हम एनसीईआरटी वहीं से चालू करते हैं। आपने 8th से 12th क्लास तक आपने पढ़ाई की, ठीक है। आपने ये 4 साल प्रिपरेशन की प्लस 1 साल ड्रॉप लिया आपने आईटी की तैयारी की, ठीक है। तो आप इस जो के कौन सी एज में रहोगे अप्रोक्सीमेटली, सर अगेन फोर्थ अमेंडमेंट, फोर्थ 44th, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है निकिता, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 याद रखना आप। तो उसने क्या किया कि आईआईटी की प्रिपरेशन की, उसने चालू की कहां से प्रिपरेशन, 14 साल की उम्र से चालू की आईआईटी की प्रिपरेशन, और 14 साल से उसने पहले तो 4 साल आपके एक सेकंड क्या लिखा, ओके, तो उसने हाँ सर सॉरी मैं सो गया, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसने जो है प्रिपरेशन चालू की, ठीक है, 14 इयर्स की एज से उसने प्रिपरेशन चालू की, जब वो किसी क्लास में रहा होगा 8th क्लास में, ठीक है, 9 10th 11 12th 4 साल पढ़ा फिर 1 साल ड्रॉप लिया, तो कुल 18 इयर्स की एज पे उसका सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, ठीक है। अब वो तब तक स्कूल में था, ठीक है, तब तक वो स्कूल में था। उसके बाद वो गया कहाँ पे, उसको कॉलेज मिला, पहली बार वो घर से बाहर गया, ठीक है। स्कूल में तो क्या होता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, आप जनरली घर पे रहते हो, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हो। उसके बाद वो 4 साल की इंजीनियरिंग करने गया जो आईआईटी की इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो 19 इयर्स ऑफ एज से लेकर उसने 4 साल की इंजीनियरिंग की, तो कहां तक की, 19 से 19 20 21 22, ठीक है, 4 साल की इंजीनियरिंग हुई उसकी 22 इयर्स की। उसको बड़ा ही अच्छा लगा, उसका कॉलेज का समय था, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि उसने नौकरी स्टार्ट की, जिस जो नौकरी उसने सिर्फ 2 साल की, ठीक है। हर जॉब में अगर आप कभी जॉब में जाते हो प्राइवेट प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है, ठीक है। तो उसने जॉब की कहां से कहां तक, भाई 22 साल की उम्र तक तो उसने कॉलेज किया, 23 से 24, ठीक है, 23 साल और 24 साल में 2 साल मतलब उसने जॉब किया, ठीक है, उसने जॉब किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है कि अब उसको बड़ा ही खराब फील होता था जॉब में, ठीक है, बड़ा ही एक्सप्लॉइटेड फील होता था, ठीक है, उसको बड़ा ही एक्सप्लॉइटेड फील होता था। उसने सोचा कि नहीं यार मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, वेद की पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वेद की पढ़ाई करूंगा। अब कितने वेद होते हैं हमारे पास, कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 साल उसने लगाया, 4 वेद की पढ़ाई की उसने फाइनली, ठीक है। तो इसके बाद 4 साल की अगर वो वेद पढ़ता है तो 25 से 26 27 28, ठीक है, 4 साल उसने वेद की पढ़ाई की फॉर एग्जांपल। और उसके बाद उसने क्या किया, अब इन वेद को वो चाहता था पढ़ाना, अब उसने पढ़ा, उसको नॉलेज मिली, तो बट ऑब्वियस चाहेगा पढ़ाना। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम बहुत स्लो पढ़ते हैं, मगर जब उसको पढ़ाते हैं तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। तो उसने क्या किया, ये 4 वेद उसने 2 साल में ही पढ़ा दिए। तो ये 29 और 30 इयर्स तक उसने
वेद की पढ़ाई की, मतलब उसने वेद को टीच किया बेसिकली, ठीक है। और क्या होता है फिर उसके बाद, आगे की स्टोरी बताता हूं। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली क्या है, आपके राइट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जब आप स्कूल में थे, या एज 14 से लेकर 18 तक जब आप स्कूल में थे, तो आपको फ्रीडम, आई मीन इक्वालिटी महसूस होती थी। सबकी ड्रेस सेम, ठीक है, सबकी सब ड्रेस सेम, सब बच्चे एक जैसे लगते थे। हम बचपन में नहीं जानते थे कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, हम बचपन में नहीं जानते थे कि कैसे ट्रीट करना है, या हिंदू मुस्लिम का जो परेशानियां चल रही है, सब हम नहीं जानते थे तब, ठीक है। तो हमको बहुत इक्वल फील होता था, हम सबको इक्वल लेके चलते थे, था कि नहीं था। तो जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है, आपके 4 साल प्लस पढ़ाई प्लस 1 ईयर ऑफ ड्रॉप, ठीक है, 5 है टोटल, तो 5 आर्टिकल्स है। तो राइट टू इक्वालिटी है सबसे पहले आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद क्या किया आपने स्कूल के बाद, सीधी से बात है कॉलेज जाओगे, कॉलेज में आपको क्या मिलती है, फ्रीडम। कॉलेज में आपको फ्रीडम मिलती है, मम्मी पापा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को। कुछ कॉलेज 3 साल के होते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको पता ही होगा, उसके कारण अब जो कॉलेजेस हो जाएंगे सारे के सारे, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, 4 ईयर्स का हो जाने वाला, आपको पता होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका 4 साल का वैसे भी हो जाएगा, तो 4 साल का ही माने हमने, तो कॉलेज देखा हमने, फ्रीडम देखी, ठीक है, हमको फ्रीडम लगती है, जैसे अब सब लोग कॉलेज में ही हैं, फ्रीडम तो पता चल ही रही होगी, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मम्मी पापा का कोई परेशानी नहीं है। तो दिस इज आर्टिकल 19 से 22 इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब उसके बाद आप जॉब करने गए, तो जॉब का सबसे अच्छा जो आपका एक्सप्लेनेशन है 2 साल के जॉब का, ठीक है, आपने 2 साल जॉब की, आपके कॉलेज के बाद सीधे से बात है आप जॉब करोगे, कुछ लोग प्रिपरेशन नहीं करते, कुछ लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो जब जॉब करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो फील होता है वो है एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन फील होता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेड फील होता है, ठीक है। तो आपको वो 2 साल आपके प्रोविजन पीरियड में एक्सप्लॉयटेड फील हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्लियर है। अब आपने जब जॉब की, आपको भगवान की याद आ गई, एकदम आपने बोला कि अब ना हो पाएगा मेरे से जॉब, आपने वेद की पढ़ाई की, ठीक है, चारों वेद की। तो ये जो वेद की आपकी पढ़ाई थी, दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू रिलीजन। तो ये जो 4 साल यानी 4 आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28, दिस इज राइट टू, ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, रिलीजियस, क्या लिखा नहीं रहा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। आपने रिलीजन की पढ़ाई की, आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आपने 4 साल वेदों की पढ़ाई की, और जस्ट उसके बाद, क्योंकि 4 साल का वेद, 4 वेद पढ़े आपने, 4 साल लगाए, मगर आप पढ़ा तो 2 साल में सकते उसको, क्योंकि आपने पढ़ लिया अच्छे से। तो आपने अगले 2 साल 29 एंड 30 क्या किया, एग्जैक्टली आपने पढ़ाया, ठीक है, आपको इसको एजुकेशन या एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपने सबको कल्चर सिखाया, आपने सबको एजुकेट किया, ठीक है। तो दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यहां तक क्लियर होगा, एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट, ठीक है। अब आ जाती है बात आपके मम्मी पापा की, यहां से अब आपके मम्मी पापा बोले बेटा अब कर लो शादी, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा वेद वेद, अब कर लो शादी, तो 30 साल की उम्र के बाद तो किसी को भी शादी करनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हुआ ये कि उसकी हुई शादी जिस आईआईटी वाली लड़की की, भाई पैकेज अच्छा था उसका, शुरुआत में भले वेद पढ़ा, कोई नहीं बताया कि वेद पढ़ के आया, उसने बोला नहीं वो आईआईटी से निकला है बस, ठीक है। तो जो शादी हुई उसको कुछ ना कुछ तो मिला, कुछ ना कुछ मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है, कम से कम लड़की तो मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर्टी मिली, ठीक है। उसके मम्मी पापा, पंजाबी फैमिलीज में तो काफी चलन है इस चीज का, राइट, काफी ज्यादा है डाउरी वगैरह का सिस्टम, नो प्रियांशु, है ना, तो जो जनरेशन है वो खत्म कर रही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो शायद थोड़ा है, हाँ एग्जैक्टली, वो पुराने लोग हैं जो वो करते हैं। तो आपको एक BMW चमचमाती हुई मिली, तो दिस इज प्रॉपर्टी अल्टीमेटली। तो आपकी जो 31 जो 31वां आर्टिकल है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी,
और ये आप वेद पढ़ के आओ, आपके तो खिलाफ था मगर आपने मम्मी पापा के दबाव में तो ले लिया, चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको हटाना था तो बट ऑब्वियस हटा, ठीक है, आपको पसंद तो था नहीं, तो आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया, जो भी हमने बात की 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, ठीक है, तो ये हट जाता है। मगर आपने कहीं ना कहीं लिया तो था, ठीक है, कहीं ना कहीं लिया तो था, और इसके कारण आपको रिग्रेट होता है और आप आर्टिकल 32 के हिसाब से उसकी रेमेडी करते हो, ठीक है, आपकी उसकी रेमेडी करते हो, ठीक। तो ये है हमारे सारे के सारे पार्ट्स जिसको आपको याद रखना है, थोड़े से मुश्किल होते हैं विद आर्टिकल्स याद रखना, तो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी जिससे आपको एक दो बार में पूरे पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार और देखते हैं, आई होप ये याद रहे, ठीक है, ये बहुत टफ था मेरे लिए याद रखना और मुझे कोई खास ट्रिक मिली नहीं तो इसलिए मैंने अपनी ट्रिक बना ली, ठीक है। जीवन चक्र, जीवन चक्र, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को एक्चुअली मैं इसको देख रहा था, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज को देखा कि भाई कोई अच्छा ट्रिक बता दे, किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो हमने 14 इयर्स से 18 इयर्स जब तक हम स्कूल में रहते हैं तब तक हमने देखी, तो आर्टिकल 14 टू 18 इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम हम जब कॉलेज में रहते हैं 19 टू 22 इयर्स ऑफ एज 4 इयर्स ऑफ कॉलेज, ठीक है, 4 इयर्स से आपको याद रखना है, नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। दिस इज 5 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज 5 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, शादी के बाद आगे डेथ, हाँ ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, शादी के बाद सीधा डेथ ही हो गई उसकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, एग्जैक्टली स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ये होता है, ये एक अभी की सिनेरियो में तो बिल्कुल जनरल ही है, ठीक है, इसलिए कुछ खास नहीं था स्टोरी में, आपको याद रहेगी पक्के से, ठीक है। तो आर्टिकल आई मीन 4 ईयर्स ऑफ कॉलेज, दैट इज फ्रॉम 19 टू 22 अप्रोक्सीमेटली, आप कॉलेज इसी समय पे जाते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जब आपने जॉब की 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए आपने जॉब की, तो आपको एक्सप्लॉयटेड फील होता है, बिल्कुल फील होता है, 12-12 घंटे आपसे काम कराया जाता है, आपने एक्सप्लॉयटेशन फील किया, बहुत अच्छे से फील किया, और इसी कारण आप धार्मिक बन गए, बाबा बन गए, ठीक है, और आपने वेद पढ़े 4 साल, ठीक है, 4 इयर्स ऑफ वेद की बात की हमने, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेद इज रिलेटेड टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आपने 4 साल के वेद 2 साल में पढ़ा दिए, ठीक है, तो दैट इज आर्टिकल 20 एंड 30। उसके बाद तो आपको याद रहेगा 30 साल में शादी हुई, 31 जो आपका यहाँ पे रिपील कर दिया गया है, ठीक है, जो आप शादी हुई तो आपको प्रॉपर्टी मिलती है, और अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी कारण, ठीक है, डेथ कह लो या कह लो कि आपको रिग्रेट हुआ, आपने रेमेडी की उसकी जिस भी तरीके से, ठीक है, तो दैट इज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें हम रिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर डायरेक्टली आस्क्ड, ठीक है, एक आर्टिकल दे देगा, ठीक है, एक आर्टिकल दे देगा, ये पूछ लेगा कि ये मतलब ये कौन से उसके है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू कुछ भी दे देगा, ठीक है, बहुत वेस्ट से दिया जाता है। अगर आपने ये पार्ट्स जैसा है आपने ये याद कर लिया ना, तो आपका डिडक्शन पावर तो बन ही जाएगा, क्वेश्चन में आप एक दो ऑप्शन तो डिड्यूस कर ही लोगे, याद नहीं भी हो आर्टिकल तो भी, ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है आपका। अगर कुछ रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन दिया है और वो आर्टिकल दिया है 29 एक ऑप्शन में, तो आप 29 तो बोलोगे, 29 तो हो ही नहीं सकता, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 एंड 24 है, जब आपने जॉब की कौन से एज में की, 2 साल की जॉब, 23 एंड 24 इयर्स की एज में आफ्टर कॉलेज, ऐसे रिलेट कर पाओगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, या डिड्यूस तो कर ही पाओगे श्योर शॉट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी ठीक लगी हो आई होप, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं हम आपके आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, हम आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। अच्छा मैंने यहां तो बताया ही नहीं, देखो आर्टिकल 12 और 13 की मैंने बात ही नहीं की कि वो फंडामेंटल राइट्स है, मैं बताया आर्टिकल 12 से 35 है, और यहाँ तो मैंने 32 में खत्म कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 34, 35 जो दो आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल 12 एंड 13 ये बेसिकली राइट्स नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली राइट्स नहीं है। आर्टिकल 12 के बारे में तो बार बार बता के आपको याद करा दूंगा कि ये स्टेट्स डिफाइन करता है, क्योंकि पहला आर्टिकल है, और आर्टिकल 13 अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 क्या कहते हैं। सबसे पहले यहां से आपका फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली शुरू होता है, ठीक है। आर्टिकल 12 की बात करें, अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो ये स्टेट को डिफाइन करता है, जो मैंने कई बार बताया, बट
जो स्टेट है उसमें आते क्या क्या है ये थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट स्टेट करता है वो स्टेट है कौन, कहाँ रहता है ये स्टेट, कहाँ से आता है ये स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो स्टेट है वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी का मतलब कोई भी कमीशन कह सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर कहें तो कोई भी कमीशन, SSSION कमीशन है, ठीक है। सबसे सिंपल अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो हम पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है दैट इज स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेट, ठीक है। आपका स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर है तो वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। वो स्टेट के अंदर आता है, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। जितने भी एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, ठीक है, एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जितने भी कोई भी जिसको गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, ये समझ लो ज्यादा आसान है याद करने का, कोई भी व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, ठीक है, अगर उसको पैसे गवर्नमेंट से मिलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो क्वाजी गवर्नमेंट होती है, मतलब क्वाजी गवर्नमेंट मतलब उसमें गवर्नमेंट का कुछ पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है, मगर वो गवर्नमेंट उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने आर्य समाज का नाम सुना है, अभी का आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज जो है अपने समाज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्कूल्स बनाता है, स्कूल्स चलाता है, विच आर पार्शियली गवर्नमेंट फंडेड, विच आर पार्शियली गवर्नमेंट फंडेड। अगर इस स्कूल में 1% भी गवर्नमेंट का पैसा लगा है तो ये स्टेट कहलाएगा सीधा, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना अपने माइंड में, अगर 1% भी गवर्नमेंट का पैसा, 10 रुपए भी लगा है इसमें, तो इस अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगा। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस में एक तो केस सीधा सीधा, लोग बहुत एक्टिव है, पता है लॉयर्स बहुत एक्टिव होते हैं, वो एक एक वर्ड पकड़ते हैं, बोलते हैं ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए स्टेट का जो डेफिनेशन है वो उसको क्लियर करना ज्यादा बहुत जरूरी था, इसलिए क्लियर्ड है ये, ठीक है। काफी सारे केसेस के बाद और क्लियर हुआ है, ठीक है। कोई भी केस होता है जो हम पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में परफेक्ट नहीं था, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे लॉज बने, केसेस हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा परफेक्ट होता जा रहा है, और यही फायदा मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होने का, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा क्योंकि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ ग्रो कर सके, हमारे टाइम के साथ ग्रो कर सके, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रो कर सके, समझ गए। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत अच्छी चीज है। यही कहीं और का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो ऑर्थोडॉक्स जो मेंटालिटी है उस पर चलेगा, क्योंकि अमेंड करना ही बड़ा मुश्किल है, हमारे यहाँ अमेंड कर सकते हैं, इट इज इजी, ठीक है। तो मैंने बात की स्टेट की, तो ये सब लोग जिस किसी को भी गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, एसपी, कलेक्टर, पटवारी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कोई भी किसी भी पोस्ट जिसमें पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है, पैसा लगा है गवर्नमेंट का, वो सबके सब स्टेट के अंदर आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 13 की बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 जो है बेसिकली आर्टिकल 13 जो बेसिकली है वो एक ही वर्ड से याद रखना, ठीक है, एक ही वर्ड से याद रखना, नल एंड वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड। वॉइड का मतलब अगर कोई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानता है तो उसमें एक C++ में आता था ना वॉइड, कुछ आखिरी में आता था, कुछ स्टेटमेंट आता था, लिखते थे जो स्टेटमेंट खत्म करने के लिए void, ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगा देते थे, आई डोंट नो, मतलब से याद आया। तो void का मतलब होता है जीरो, ठीक है, और null का भी मतलब होता है जीरो, ठीक है। void का मतलब होता है उसका मतलब, अल्टीमेटली null एंड void का मतलब है कि खत्म हो जाएगा एकदम, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाला हिसाब, ठीक है, हिंदी में अगर किसी को समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एक्ट, कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी व्यक्ति अगर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टकराएगा तो
मतलब null and void हो जाएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है. It says that any article of the constitution that does not comply with part 3 or fundamental right of the constitution, ठीक है, part 3 or fundamental right of the constitution will get null and void, सीधा सीधा. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 वर्ड यूज होता है, और 300A को इसीलिए हटाया गया क्योंकि सब जगह पार्ट 3 रखा गया है, तो इसीलिए क्या किया 300A को अलग कहीं रख दिया गया. तो अब जब जितनी जगह पार्ट 3 लिखा हुआ है उतनी जगह ये वैलिड ही नहीं रहेगा, तो मतलब जो 300A है वो उससे अगर कोई टकराएगा तो null and void नहीं होगा, ठीक है. ये समझना, ये ब्यूटीनेस है, ये ब्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, मेकर्स की, ठीक है. इतने चालाक होते हैं लोग, आप ये समझो ये चीज को, ठीक है. तो ये जो आर्टिकल है इट सेज दिस null and void, से आपको याद रखना आर्टिकल 13, तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं हुआ, ठीक है, null and void. मगर इसमें एक जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट दीजिएगा समझाने के लिए. दैट इज ज्यूडिशियल रिव्यू, ठीक है, दैट इज ज्यूडिशियल रिव्यू. ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू आता है आर्टिकल 13, और प्रिसाइजली बोलूं तो आर्टिकल 13 के 2 सब पार्ट में, ठीक है, सेकंड सब पार्ट में आता है. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ज्यूडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है वो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, और प्रिसाइजली आर्टिकल 13(2) में दिया हुआ है, ठीक है. अब ज्यूडिशियल रिव्यू होता क्या है, ज्यूडिशियल रिव्यू आपका क्या होता है. अब देखो ज्यूडिशियल रिव्यू की अगर बात करें तो जैसा आपको समझ में आ रहा है कि ज्यूडिशियल मतलब ज्यूडिशियरी, ज्यूडिशियरी, और रिव्यू मतलब रिव्यू करना, ठीक है. जब भी ज्यूडिशियरी ज्यूडिशियरी रिव्यू करती है किसी एक्ट को, किसी लॉ को, ठीक है, किसी डिसीजन को, डिसीजन मतलब अगर छोटे लेवल में बात करो तो एक कलेक्टर एक डिसीजन लेता है कि यहाँ 144 लगनी चाहिए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू दैट डिसीजन, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं. प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीजन लेता है कि ऐसा हो तो ही विल नॉट बी अकाउंटेबल, मतलब उस डिसीजन के कारण उसको सजा नहीं हो सकती, मगर वो आता है आपके ज्यूडिशियल रिव्यू के अंडर, ठीक है, इतनी पावर है, ठीक है, तो वो अकाउंटेबल नहीं होगा मगर ज्यूडिशियल रिव्यू में आ सकता है. उसके डिसीजन पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते हैं ज्यूडिशियल रिव्यू लेके कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है, ये बताया जा सकता है. तो दिस इज ज्यूडिशियल रिव्यू सिंपल टर्म्स में अगर बात करो, ठीक है. तो अगर बात करूं ये करता है ज्यूडिशियल रिव्यू. अच्छा ज्यूडिशियल रिव्यू किया कैसे जाता है, मेन चीज तो ये. अब ज्यूडिशियल रिव्यू ऐसे तो नहीं कर देते कि मैं ज्यूडिशियल रिव्यू लेता हूं और वो आ जाएगा, नहीं. इसके दो बहुत अच्छे तरीके होते हैं, ठीक है, जो एक है जिनमें से PIL, ठीक है, एक है आपका PIL. PIL सबको पता है ना, PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है. तो जॉली LLB साहब ने PIL दायर करके बहुत ही आतंक मचाया था. वैसे ही PIL बहुत अच्छा, एक बड़ी अच्छी मूवी थी जॉली LLB 1 और 2 जो भी थी, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था PIL का. PIL आप कैसे डाल सकते हो, आपको किसी केस में इंटरेस्ट है, आपको लगता है इसमें और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो आप PIL फाइल कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से. अगर उसका मिसयूज जब होता है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकता है, ठीक है, null and void भी कर सकता है, क्योंकि अगर उस मैटर में कुछ और नए तथ्य नहीं आए हैं, नए जो वो होते हैं तथ्य मतलब नए सबूत नहीं आए हैं, ठीक है, सबूत नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, तो ठीक है, तो PIL खारिज हो सकता है. बट PIL आप कर सकते हो, किसी भी केस में PIL आपका अधिकार है, और यही अधिकार खुद जो है ज्यूडिशियल, जो ज्यूडिशियरी वो भी ले सकता है. भाई जो जज है, ज्यूडिशियरी कौन है, जज तो है. जज ड्यूटी करने के बाद शाम को गए PIL दायर कर दिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है. अब इस तरीके के PIL को एक और तरीका नाम दिया जाता है, सुओमोटो, ठीक है, सुओमोटो वर्ड यूज होता है इस टाइप के PIL को. अब सुओमोटो क्या होता है, मतलब इसको हिंदी में स्वसंज्ञान कहते हैं, ठीक है, अगर हिंदी में समझ में आता है तो इसको स्वसंज्ञान कहते हैं. मतलब मैं ऐसा करूं कि मैं आपको पढ़ाऊं और मैं ही क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो ये सुओमोटो हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, कि मैं ही आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले रहा हूँ, मैं ही पढ़ा भी दे रहा हूँ, ठीक है. और एक अगर अच्छा एग्जांपल नहीं था, सुओमोटो मतलब कि जो जुडिशरी है वो खुद से ही किसी डिसीजन को बोले कि ये PIL, मतलब मैं इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, किसी हाई कोर्ट के मैटर पे, किसी सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस मैटर पे, ठीक है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता ही होगा कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं,
गोलकनाथ, गोलकनाथ केस, ठीक है, जिसके बाद आपका केशवानंद भारती केस आया था, ठीक है, गोलकनाथ केस आपका सर हाँ तो सुओ मोटो है, ठीक है, एक तरीके अच्छा सर इसे कॉग्निजेंस वर्ड यूज होता है, कॉग्निजेंस वर्ड यूज होता है, ठीक है, कॉग्नी तो जो भी स्पेलिंग है Z-A-N-C, कॉग्निजेंस, ठीक है, बिल्कुल कॉग्निजेंस भी वर्ड यूज होता है इसके लिए और सुओ मोटो वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। तो ये जो दो तरीके हैं ये जुडिशियल रिव्यू करने के तरीके हैं, ठीक है, और भी कुछ तरीकों से होता है जुडिशियल रिव्यू, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मेजर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो सुओ मोटो ले लेता है अपने से, जो ले लेता है कहता है कि हाँ इस कोर्ट इस फैसले को मैं दोबारा उठाना चाहता हूँ, ठीक है, कोर्ट, और इस मैटर को दोबारा उठाना चाहता हूँ, कोर्ट कहता है, और PIL वाली बात, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली बात, ठीक है। इसमें गोलकनाथ जो केस आता है ना, वो केस क्या था आप लोगों को पता है? गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, ये कब हुआ था, 1973 में, तो इसका फैसला आया था 1968 के आसपास, ठीक है, 1968 के पास या 67 के आसपास आपका गोलकनाथ केस आया था, 1967 के आसपास। इसमें ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आते, ये कहा गया था, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये कह रहा था, ठीक है। इस पे डिसीजन गोलकनाथ केस में ये डिसीजन आया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हो सकता है, तो गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसको आपको दोबारा बना के और फिर वहां से प्रोविजन पास करना होगा, ठीक है, इतनी बड़ी बात, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना पड़ेगा। बट ये फिर खारिज कर दिया गया ये केस, यही केस फिर आपने जुडिशियल रिव्यू से, कह लीजिए एक तरीके से सुओ मोटो या PIL से वापस लिया गया, और जो कि फाइनली केशवानंद भारती केस बना। बट इसमें ये भी कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंडर आता है फंडामेंटल राइट्स, और आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो मगर बेसिक अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर रखते हुए, ठीक है। तो ये था गोलकनाथ केस, ठीक है। इसमें एक और IT वाला केस आता था, IT एक्ट था आपका, ठीक है, ये रिसेंट का केस है मेरे ख्याल से 2015 के आसपास का केस है। हुआ क्या कि एक मैडम थी, उनका नाम क्या था, श्रेया सिंघल एक मैडम थी। 2000 IT एक्ट जो है हमारा, IT एक्ट वो सन 2000 में हमारा मेरे ख्याल से लागू हुआ था, और 2015 में एक केस हुआ जिसको हम IT एक्ट केस कहते हैं, उसमें, ठीक है, IT एक्ट केस कह सकते हो आप उसको, या श्रेया सिंघल केस कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो आप लोग जैसे ट्विटर चलाते हो और आज किसी का मन किया बुराई करने का, आपने बुराई कर दी, हाँ मैंने बुराई कर दी, चलो आपको क्यों बोलूं, मैंने मन किया कि नहीं आज राहुल गांधी को मैं बहुत बुरा भला सुनाऊंगा, मैंने उसके पेज पे गया, बढ़िया ट्वीट किया, ठीक है। तो IT एक्ट में ही लिखा हुआ था कि अगर आप कोई भी स्पीच या कोई भी डायलॉग देते हो जो हेट स्पीच के अंदर आता है या फिर गलत माना जाए कंप्यूटर या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो आपको 2 साल की सजा होगी, 2 ईयर्स की जेल होगी, ठीक है, और प्लस फाइन भी होगा। इतनी बड़ी बात लिखी हुई थी उसके किसी सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन 66 में दिया हुआ था कि आपको 2 साल की सजा होगी अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है। तो ये IT एक्ट, तो ये 2015 में श्रेया सिंघल ने केस उठाया था कि ये जो पर्टिकुलर आपका रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है, श्योर निकिता, तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। तो 2015 में तो उन्होंने केस किया कि ये तो गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, केसेस उठे। तो फिर ये जो 66 आपका सेक्शन 66 था IT एक्ट का, उसको हटाया गया, ठीक है, उसको हटाया गया, और आज हम बहुत फ्रीली किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, एक स्पीच दे सकते हैं ऑनलाइन वे से, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट्स थे जो जुडिशियल रिव्यू के बड़े फेमस एग्जांपल हैं,
ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के। तो ये ओवरऑल जुडिशियल रिव्यू है, ऐसे काम करता है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो जुडिशियल रिव्यू किसी भी फैसले पे लिया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव के किसी भी फैसले पे और किसी भी प्रीवियस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी लिया जा सकता है। और जो जुडिशियल रिव्यू का ओवरऑल स्कोप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया, आप प्लीज इसको रीड करिएगा जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 13 की, जिसमें हमने बात की नल एंड वॉइड सबसे पहले, उसके बाद बात की हमने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक्ट, कोई भी बिल अगर कंप्लाई नहीं करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। हमने बात की जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13(2) में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गए हमारे 12 और 13। अब यहां से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। यहां से क्या स्टार्ट होता है, राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला याद रखना है आपको राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहली चीज जब आप स्कूल में रहते हो, कब आप स्कूल में रहते हो, कितनी एज से कितनी एज तक, 14 to 18, ठीक है। ये 5 साल है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 4 साल तो स्कूल के, 1 साल ड्रॉप के, ठीक है। तो 14 to 18 आर्टिकल जो है इसमें राइट टू इक्वालिटी बताते हैं, और जिसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, उसकी हेडिंग एग्जैक्टली आर्टिकल 14 एग्जैक्टली इक्वालिटी ही है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी ही है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ये कहता है स्टेट विल डिनाई, मतलब ये अल्टीमेटली ये कहता है कि स्टेट जो होगा सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगा, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगा, चाहे भले वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हैं, बहुत सारी हैं इनमें चीजें, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट देगा स्टेट को। अगर उसकी कास्ट भी कुछ होती है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ भी कुछ होती है, उसका जेंडर कुछ भी है, तो ये सारी चीजों को ऊपर उठ के जो आपका स्टेट है सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ये तो इजी मुद्दा है, राइट टू इक्वालिटी मतलब आपको समझ गया सबको इक्वल ट्रीट होता है। बट इसमें दो चीजें हैं जो आपके समझने लायक है। हाँ देवी, क्या सर? अच्छा, मेरे को लगा आप कुछ बोल रहे हो। ओके। तो इसमें दो चीजें हैं जो मेन समझने लायक हैं, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये जो दो वर्ड्स हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, वैसे दिख बड़े टफ से रहे ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो इजी है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करो तो इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है जो हमने इंग्लैंड से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो लिया है हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया है यूएसए से। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने मर्डर किया, ठीक है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया ने मर्डर किया, ठीक है, और दूसरे पर्सन और सिटीजन ने मर्डर किया, मतलब एक पर्सन ए ने मर्डर किया और पर्सन बी ने एक मर्डर किया, ठीक है। अब दोनों ने मर्डर किया और दोनों अलग अलग लोगों को उसी तरीके से मर्डर किया, ठीक है, मतलब जो भी तरीका होगा बोलना नहीं चाहता, तो मर्डर किया दोनों ने, तो दोनों को एक सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मुझे बताओ, एक तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने मर्डर किया है, मिलनी चाहिए ना, दोनों मर्डर किया है, दोनों को सजा एक ही मिलनी चाहिए, है ना, बताओ ज्योता, बोल रहे हो आप कुछ? नो आइडिया, ठीक है, मिलनी चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। तो ये चीज कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन इन इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर पर्सन ए ने मर्डर किया है और पर्सन बी ने मर्डर किया है, तो वो, चलो मान लो मेल है ये, फीमेल है ये, मेल है ये, फीमेल है, ठीक है, तो भी उसको इक्वल सजा होनी चाहिए, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनी रीजंस, ठीक है। अब ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, मगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि अब मान लो जो ए पर्सन था वो बिलो द एज ऑफ, मान लो 16 था, और जो बी पर्सन था वो अबव द एज ऑफ 16 था, तो अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहेगा कि नहीं, दोनों पर्सन ने मर्डर किया है, दोनों को सेम सजा मिले, चाहे वो
किसी भी एज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी का कुछ का हो, मगर यार कोई अगर 16 साल से नीचे का है, जुवेनाइल है, तो यह हमारा धर्म बनता है, यह हमारा राइट बनता है कि हम उसको बचाएं, उसके बचपन को बचाएं, उससे हो सकता है गलती हो गई हो, वो छोटा हो, 14 इयर्स की एज का अगर कोई बंदा है, ठीक है, तो उसको बचाना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, इसको कहते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, कि अगर किसी कोई स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में सजा ऊपर नीचे की जाती है, सजा कम ज्यादा की जाती है, ठीक है, ये थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई गई, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिर्फ हम यहाँ मर्डर चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लग रहा है सुनने में ठीक, मगर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों प्रोविजन लिए गए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों के दोनों प्रोविजन है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो इंग्लैंड से लिया गया है, आपको ये फैक्ट प्योरली याद रखना है, बड़ा ही जल्दी पूछता है, बहुत ही जल्दी, बहुत फेवरेट है एकदम एसएससी का, ठीक है, या किसी भी एग्जाम का। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और मतलब अब आप समझ गए हो, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधा कहता है कि हर एक सिटीजन लॉ के सामने सेम है, कानून अंधा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं दिखता, ये कहता है। आपका वो अंधा वाला पहनी तो रहती है ना, वो जो ऐसे लेके बैठे रहते मैडम, ठीक है, कोर्ट्स में, तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ शो करता है, ठीक है, ब्लाइंड लॉ इज ब्लाइंड वाला हिसाब किताब। मगर इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जस्ट लीनियंट है, यूएसए से लिया गया है, और वो कहता है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है, ठीक है, ये देना भी चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल कौन से में याद रखना, आर्टिकल 14 में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। देखते कुछ फैक्ट्स अगर मिस हो गए हो या कुछ ओके सो ये पहली चीज आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड हु विल बी कंसिडर एज स्टेट, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि कौन कौन कंसिडर किया जाएगा एज अ स्टेट, इसकी बात हमने की, कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है या कुछ भी काम करता है, जिसको अल्टीमेटली कोई एम्प्लॉय हो या कोई यूनियन हो या कोई कुछ भी हो, मतलब इन टोटल पैसा लगा है गवर्नमेंट का, मतलब वो स्टेट के अंडर आता है, उसको बराबर सजा मिलेगी। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 नल एंड वॉइड से याद किया, नल एंड वॉइड, ठीक है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से याद रख लेना आप लोग। इट सेज दैट एनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डज नॉट कम्प्लाई विद पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड। एकदम स्टेटमेंट मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है, कोट कर सकते हो कहीं पे। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यहाँ पे आर्टिकल 13(2) में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, इज प्रोवाइडेड टू चेक एनी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ, और चेक एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन को चेक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वाली बात जब आती है तो डिसीजन वाली बात आ जाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात आती है तो डिसीजन वाली बात आ जाती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके डिसीजंस को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 इक्वालिटी वाली बात करता है सीधा सीधा कि एवरी सिटीजन इक्वल, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सब लॉ के सामने इक्वल है, वो बचपन वाली बात थी। जो अब हमको बड़े होने के बाद पढ़ना है वो है दो कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कानून अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखता है, कोई मतलब नहीं कि कोई एज ग्रुप का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। मगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वही करता है कि हमको एक लीनियंसी रखनी चाहिए कई सारे एक्सेप्शंस, कई सारे केसेस में, ठीक है। आपको इसको बच्चे के या जोवेनाइल के आप एग्जांपल से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक जोवेनाइल अगर कोई केस करता है तो उसको पहली चीज 2 साल की मैक्सिमम सजा होती है, और वो भी आपकी जोवेनाइल जेल होती है अलग से, हालांकि बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है वो। अभी हाल फिलहाल कुछ केसेस के लिए, रेप केसेस के लिए, जो दिल्ली का जो रेप केस हुआ था उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है, तो 16 इयर्स के अंडर भी आपके जो अगर जोवेनाइल है, ठीक है, तो उनको भी ज्यादा सजा मिलेगी अगर रेप केस का, अगर रेप केस आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और प्रोविजंस किए गए हैं, अभी हाल फिलहाल थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। तो दिस इज, और आखिरी में रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एकदम सिंपल है,
ठीक है, रूल ऑफ लॉ एकदम सिंपल है. रूल ऑफ लॉ जो कि कहा किसने दिया था, डाइसी ने दिया था. ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है ना एसएससी में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सीधा सीधा कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया है, तो डाइसी ने दिया है. ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, रूल उसका होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब समझना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है रूल उसका होना चाहिए, ना कि किसी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का. ठीक है, जो पावर देता है प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या सीएम को, वो भी तो लॉ है. दैट इज द लॉ, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन लोगों को पावर कौन दे रहा है? ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही दे रहा है. तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो लॉ है उसका रूल होगा. अब लॉ रूल करवाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, दे आर दीस. ठीक है, पीएम और या सीएम या प्रेसिडेंट या गवर्नर, ये है. तो अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ भी लागू है. ठीक है, जो कानून का जो वो होना चाहिए, रूल होना चाहिए, दैट इज रूल ऑफ लॉ. इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डाइसी ने दिया था, इसको याद करना है. ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, आर्टिकल 15 से हम चालू करेंगे, आर्टिकल 15 को देखेंगे. अब मुझे बता, अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आई मिस्ड, आपने कब लिखा था ये, आई मिस्ड इट, देख नहीं पाया जो था, आई एम सॉरी. Something you asked regarding A and B. Okay. I actually asked if A did a murder and B did a murder, will there be provision कि दोनों को equal जो सजा है, सजा मतलब punishment, will they get equal punishment or not? I was asking that. Oh, okay. ठीक है, तो अब तो आपको पता ही चल गया. ठीक है, चलो मुझे बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कोई मेंटली रिटार्डेड हो तो उसके लिए भी कम सजा होगी? बिल्कुल होती है, ये होता है, और इसका मिसयूज भी होता है. आपने पिक्चर नहीं देखी है, अपने आपको पिक्चर देखनी चाहिए उसकी, मिथुन चक्रवर्ती की. उसमें उसने मर्डर किया, उसके बाद वो पागल बन गया, तो उसको सजा नहीं मिली. ठीक है, क्योंकि मैं सलमान खान होता है ना मेंटल. हाँ, क्योंकि मैं सलमान खान मेंटल होता है, मैं क्योंकि नहीं देखा हूँ, सॉरी. हाँ, तो सजा मिलती है, सजा मिलती है, मतलब मिलती है, और एक्चुअली ना काफी केसेस में नहीं मिलती है, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड होना, या आपको पता है कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिनमें, जैसे कोई आदमी को सोते सोते चलने की बीमारी है. ठीक है, ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती, उसमें भी एक्सेप्शन दिया जाता है. ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था एक्चुअली सर. उसमें ये था कि उसको, सलमान खान को मेंटल असाइलम में भेजा जाता है, और कहते हैं कि जब ये प्रॉपर ट्रीट हो जाएगा उसके बाद पुलिस के हवाले कर देंगे. नहीं नहीं, मूवी है. और क्रिश में क्या हुआ था वो भी बताओ देवी. क्रिश में क्या हुआ था? क्रिश में क्या था इससे रिलेटेड? नहीं, क्रिश में वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद जाता था बिना किसी चीज के. ठीक है, मूवीज है, मूवीज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जुर्म तो नहीं था? नहीं नहीं, मतलब जुर्म नहीं था. ठीक है, वो कितना मारते हैं यार, ये बताओ, हीरो कितने लोगों का मर्डर करता है, उसको लगता है आज तक चार्ज लगा? ठीक है, तो मूवीज है. नहीं नहीं, ऐसे मेंटल असाइलम भेजा जाता है, बिल्कुल भेजा जाता है, और ठीक होके आ जाएगा तो उसको सजा होगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि उसने अपने फुल माइंड में, उसने अपने फुल माइंड में वो काम किया ही नहीं है. ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है. पता है, जब आपके पास एक कारण होता है मर्डर करने का, काफी सारे केसेस होते हैं एक्चुअली लॉ में पढ़ते हैं हम. ठीक है, कि अगर डिग्री कहलाता है, ठीक है, डिग्री कहलाता है, डिग्री ऑफ मर्डर बोलते हैं ना, थर्ड डिग्री मर्डर, फोर्थ डिग्री मर्डर, मतलब कि क्या रीजन था मर्डर करने का. अगर वो एक रिवेंज था, फॉर एग्जाम्पल किसी के परिवार वालों को किसी ने मार दिया, फिर उसने उसको मार दिया, और अगर कोई जेन्युइन रीजन है, आपने गलती से हो गया, आपकी गलती से हो गया. और जैसे हाईवे में कोई आदमी अगर हाईवे में चल रहा है और उसको कोई गाड़ी ठोक देती है, तो गाड़ी वाले के ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ चालान होता है. अगर वो मर भी जाता है तो भी कोई केस नहीं होता है, उसको हाईवे में चलने की जरूरत ही क्या थी, पूछा जाता है. ठीक है, हाईवे लोगों के चलने के लिए नहीं, फुटपाथ वाली बात नहीं बोल रहा मैं, शाहरुख सलमान खान के साथ फुटपाथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हाईवे में जो नेशनल हाईवे होते हैं और जो
आपके एक्सप्रेस वेज होते हैं उसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन का, तो उसमें चलाने वाले को एक्चुअली रोड में भी, आपको पता है काफी केस में रोड पे भी एक्सीडेंट होता है ना, तो कोई केस नहीं होता, इंश्योरेंस है ना आपके पास, जाके 500 रुपए चालान भर दो, हो गया। तो ये कॉन्ट्रेडिक्टिव मैटर्स है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आता है, क्योंकि यार देखो अगर वो 80 की स्पीड में है तो वो ब्रेक मार भी नहीं सकता, उसका भी लॉस होगा उसमें, या मोड़ देगा तो उसका भी लॉस है उसमें। तो इस चीज को समझा जाता है, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ठीक है। अब जो था, आपको हिंदी कितनी समझ में आती है? अरे बचपन में आपने हिंदी में पढ़ा है, ओके तो चलिए रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है। अच्छा हाँ, मैं ऑफ कर देता हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चे।